शेयर मार्केट बड़ा मिस्चिवियस है उसको अगर कोई ठीक से पढ़े तो वो बता देता है कि उसको पहले क्या पता है तो जिस प्रकार का इंडेक्स चल रहा है वो करीब करीब ये माने बैठा है कि अब की बार चार सौ पार इज़ दैट राइट सो मार्केट कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नेंस दोनों को काउंट कर रहा है ये सिर्फ पाँच ट्रिलियन डॉलर की खेल नहीं है ये काल में विकसित देश होने की खेल है एंड हमने हमेशा देखा है कि आज़ादी के समय हम और जापान पर कैपिटल जीडीपी में इक्वल थे या पीछे थे वो हमसे 1960 में साउथ कोरिया और हम एक दूसरे के आसपास थे 80 में चाइना और हम एक दूसरे के आसपास थे ये सब लोग हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे चले गए हमने दो कदम उठाए उन्होंने तो दो किलोमीटर चल दिए सो अब की बार मार्केट ये डिस्काउंट कर रहा है कि ये अमृतकाल में भारत विकसित देश हो जाएगा और जो लोग हमें पीछे छोड़ के हमेशा चले जा रहे थे हम उनके साथ हो जाएंगे और ये विश्वास इसलिए पैदा होता है कि 2014 में भारत जो दसवीं बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की आज पाँचवीं हो गया है और अगले पाँच साल में तीसरी के ऊपर पहुंच जाएगा और अमृतकाल के अंत तक हम दूसरे के साथ उसे नैरो कर देंगे तो ये सिर्फ पाँच ट्रिलियन का खेल नहीं है ये विकसित देश होने का खेल है और मार्केट को विश्वास है कि सरकार और गवर्नेंस दोनों इसी दिशा में काम करते रहेंगे